नेशनल हाईवे 86 पर कार्तिक पूजा करने जा रही महिला को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में करीब महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे पर जाम लगा जोरदार प्रदर्शन किया। इस मामले में उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों सहित सैकड़ों वाहन 3 घंटे तक जाम में फंसे रहे। किराड़ी से और ये किराड़ी मेन रोड कानपुर हाईवे की घटना है और लगभग 4 बजे की घटना है। यहाँ कत्कारी वगैरह गांव की नहाने के लिए दसरापुर जा रही थी, उसी बीच एक ट्रक आया लोड से भरा हुआ, बहुत तेज स्पीड से आया और उस महिला को, वो किनारे थी लेटरिंग से निकलते हुए, उसको रोनता हुआ कवरी की ओर चला गया। उस ट्रक वाले को किसी ने देख नहीं पाया, न अभी तक कोई ट्रक पकड़ा गया है। अच्छा, ये महिला क्या कर रही थी? महिला यहाँ पे कत्कारियों के साथ दसरापुर नहाने के लिए जा रही थी। वो क्या नाम है महिला का? महिला का नाम तो सावित्री नाम है और एक बार समाज की है। कितनी उम्र होगी इनकी? उम्र हो गई लगभग 60-65। ठीक जी। और यहाँ बड़ा दिक्कत है वाले क्षेत्र में, किराड़ी फाटक पड़ता है उस जगह पर। आज एक 65 वर्षीय महिला के भोर में ही किसी वाहन से टक्कर लग करके उसकी डेथ हो गई। उस डेथ को लेकर के, क्योंकि महिलाओं का एक कार्तिक स्नान है, तो उनका उनकी मांग थी कि बराबर स्नान करने जाते हैं, कहीं प्लीज उनका इलेक्ट्री ना हो, और उसके साथ साथ उस महिला के पक्ष में भी उनकी आर्थिक सहायता की मांग थी। इसको लेकर के उनके परिजनों द्वारा जाम लगाया गया था, समझा बुझा करके जाम माफ कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची सीओ सिटी और एसडीएम द्वारा आरोपी ट्रक चालक की गिरफ्तारी और सहायता राशि के आश्वासन के बाद पुलिस प्रशासन को जाम खुलवाने में सफलता हासिल हुई है। महोबा में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी से आसियाना जलकर खाक हो गया। सूचना देने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। मोहल्ले वासियों ने आसपास स्थित जल स्रोतों से पानी जुटाकर किसी तरह आग पर काबू पाया। घटना में करीब 1 लाख का नुकसान हुआ है। क्या घटना हुई? आग लग गई। और क्या, कैसे लगी? अब ये नहीं हम बता सकते कैसे लगी, क्या क्या नुकसान हुआ आग लगने? नुकसान तो सब खत्म हो गया हमारा, कुछ नहीं। आपको बता दें कि बीती रात शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण करते हुए पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। धुएं का गुबार और आग की लपेटे देख मोहल्ले वासी दौड़ पड़े। पीड़ित ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच पाई। मुरादाबाद जिले के भगतपुर थाना क्षेत्र के विसोली में उस समय हंगामा मच गया जब इलाके के एक ही परिवार की 4 मासूम बच्चियां अचानक गायब हो गई। परिजनों के लाख प्रयास के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं लग पाया तो रात में सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पूछताछ के बाद परिजनों के साथ पुलिस ने आसपास कांबिक भी शुरू कर दी, लेकिन देर रात तक लाख ढूंढने के प्रयास के बाद भी संदिग्ध रूप से गायब किशोरियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। सभी चारों मासूम की उम्र 6 से 13 वर्ष बताई जा रही है, जो आपस में चचेरी बहनें हैं। बच्चियों को परिजनों द्वारा डांटने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद वो दोपहर में वो बाहर चली गई थी और वहां से वापस नहीं लौटी। उधर पुलिस द्वारा कई टीमें उनकी खोज में लगा दी गई हैं। दावा है कि जल्द ही गायब हुई बच्चियों की खोज की जाएगी। दिनांक 13 नवंबर को दोपहर लगभग 12 बजे ग्राम वसौली थाना भगतपुर में एक बच्ची तबस्सुम नाम की, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष बताई जा रही है, ये अपने साथ 3 अन्य बच्चियों को, जिनमें एक की उम्र 9 वर्ष, एक की 8 वर्ष और एक की 6 वर्ष बताई गई है, उनको लेकर लकड़ी लेने के लिए कहकर ये गांव से निकली। उसके बाद इन चारों बच्चियों को पास के रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए अकेले देखा गया है। गेटमैन के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई है। उसके आगे की लोकेशन अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है। पुलिस के द्वारा इसमें जीआरपी पुलिस की भी मदद ली जा रही है। आसपास लगने वाले मेले, उर्स इत्यादि के बारे में भी जानकारी की जा रही है। ग्रामीणों का भी सहयोग लिया जा रहा है। बरामदगी के हर संभव प्रयास जारी हैं।
जांच में पता चला कि भगतपुर थाना क्षेत्र के बिसोली गांव के एक ही परिवार की यह चार बच्चियां मंगलवार को स्कूल के लिए देर हो जाने और मास्टर की डांट के डर से स्कूल ना जाकर घर पर ही रुक गई, जिन्हें घर पर भी थोड़ी बहुत डांट पड़ी थी। 5 साल तक स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे शरद जैन को एक बार फिर भाजपा ने जबलपुर के उत्तर विधानसभा से टिकट दी गई है। इस पर एक बार फिर मंत्री जी की राह आसान है। जबलपुर जिले में लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था और डेंगू से हुई मौत को लेकर विपक्ष ने जहां चौतरफा सरकार को घेरा है, तो वहीं मंत्री जी का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री इलाज नहीं करता। आज उत्तर मध्य विधानसभा में जनसंपर्क में निकले स्वास्थ्य राज्य मंत्री शरद जैन ने बिगड़े बोल बोले हैं। जिले में फैली बीमारी और डेंगू को लेकर शरद जैन ने कहा कि जहां कहीं भी बीमारी फैली है वहां पर इलाज किया गया है, बीमारी पर राजनीति नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो क्या मैं इलाज करता। लोग बकवास कर रहे हैं, जिनको समान बातों का ज्ञान नहीं, पुलिस का इलाज करना हॉस्पिटल का, उसमें कोई राजनीति नहीं होती। जहाँ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए तो चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई की, वो चिकित्सा विभाग की बात न करके व्यक्तिगत चुनावी राजनीति के लिए जो स्वास्थ्य विभाग वो काम कर रहा है, इसके लिए किसी व्यक्ति को दोष करने का। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री आप थे, तो हम ज्यादा इलाज कर सके। कुछ लोग जिनने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया, मात्र कहीं के रहने वाले और कहीं आकर चुनाव, ऐसे लोग यदि किसी की चरित्र कॉमन है। आज जैसे भूकंप आया था तो उसको किसी व्यक्ति को दोष दोगे क्या? खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से, जहां पर एक बार फिर किसान मंडी पहुंचने से पहले ही काल के गाल में समा गया। जी हां, आपको बता दें कि अपनी फसल को लेकर मंडी जा रहे किसान के एक ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच भी शुरू कर दी। सुबह सूचना मिली, सोनू ने सूचना दी जी कि राधानपुरा जोड़ पे हाँ एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी है, जिससे अंतर से जो मेरा अंकल था वो खत्म हुआ है। अच्छा, और उसकी सूचना मैं स्टाफ को लेके जाके देखा तो एक आदमी ट्रक को यहाँ पकड़ गया था नहाली पे। हाँ बिल्कुल, दवाई बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। हाँ, ट्रक चालक, ट्रक चालक छोड़ कर ट्रक को भाग गया था। बिल्कुल, फिर वहाँ से इकट्ठे करके लोगों को उसका शव पहचान बनाया। बिल्कुल, और बनाने के बाद में बाड़ी 108 लगवा के वो बाड़ी रवाना कर दी। कहाँ पिए माहौल को जो पूछता थी, उसके बाद मैं भी गया था बड़ा बड़ा से। आने के बाद में फिर मैंने कहा ट्रक का नंबर था RJ20GA2353 चांदखड़ी का ट्रक। अच्छा, उसकी कोई कार्रवाई अभी, ट्रक की कार्रवाई? ट्रक की कार्रवाई अब चल रही है, अभी चल रही है, बेचना में अभी। हाँ, कल मैं शाम को आया था वहाँ से। अच्छा, कायमी मर्द कायमी हुई, FIR हुई, उसके बाद में नहाया गया, ये कार्रवाई मैं चालू कर रहा हूँ। बिल्कुल, ट्रक खड़ा कर दिया थाने में, ठीक है, ट्रक को थाने खड़ा कर दिया।